हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सावन का एक इतना अच्छा प्यारा सा गीत, जिसपे आप किसी भी तीज की पार्टी में अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में अगर आप डांस करेंगी तो आप अपने डांस से चार चांद लगा देंगी उस पार्टी में। फ्रेंड्स, मैं बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आज आपको ये सॉन्ग सिखाती हूँ। तो आइए हम सीखते हैं हमारा आज का डांस। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो फ्रेंड्स, ये जो गाना शुरू होता है, इस गाने की शुरुआत में एक बीट है 8 सेकंड का, 1 2 3 4 5 6 7 8। उस पे हमें क्या करना है, पीछे खड़े होना है, राइट हैंड सिर पे लगाना है, लेफ्ट को कमर पे लगाना है, लेफ्ट लेग उठाना है और एक टाइम ध्यान रखिएगा, एक टाइम में तो 4 बार ठुमका मारना है, 1 2 3 4। पैर को बस ऐसे ऊपर बाहर, पैर को ऐसे मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अप 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 अप, 5 6 7 8। इसके बाद फ्रेंड्स फिर 8 बीट आएंगी, फिर से 8 आएगी, 5 से लेके 1 तक काउंटिंग आएगी। उस पर मैं पीछे से आगे होना है, कैसे देखिए, राइट पैर आगे पॉइंट डाउन, राइट पीछे, राइट आगे राइट पीछे, राइट आगे राइट पीछे एंड राइट आगे राइट पीछे, इस तरह देखिए हम करते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा फ्रेंड्स, जब हम पैर को आगे और पीछे रखते हैं ना तो थोड़ा सा बॉडी को से डाउन कर देना, फिर आप अगर आप ऐसे करेंगे स्टेप ना अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा बॉडी को जैसे राइट पैर को आगे रखें तो डाउन ठुमका पीछे अप, ये देखिए ऐसे इस तरह से। अभी अब हमारी होगी 16 बीट, यहाँ होते ही बीट चेंज हो जाती है और म्यूजिक थोड़ा सा लाउड हो जाता है। तो वहां पे क्या करना है, हम इस तरह से हमारे आखिरी पोजिशन पे, ये देखिएगा इस तरह से हमें हमारा लेफ्ट हैंड रखना है, राइट को लाके क्लैप करना है, क्लैप एंड शोल्डर, क्लैप एंड शोल्डर, सेम चीज अभी करनी है, क्लैप शोल्डर, क्लैप शोल्डर। अब पैरों करना है, राइट पैर आगे राइट पीछे, देखो जब राइट आगे रख रही हूँ लेफ्ट उठ रहा है, 2 3 4 इधर जाना है तो लेफ्ट रखेंगे, 1 2 3 4 इस तरह से। आप देखिएगा हाथ और पैरों को एक साथ करते, 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे क्लैप करने के बाद मैंने अपने हाथ को उल्टा कर दिया है, क्लैप ये देखिए उल्टा। तो अगर आप उल्टा नहीं भी करते कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फ्रेंड इसी में हमारा अगला 8 का बीट जो बहुत तेजी से आ रहा है, उसमें हमें यह करना है, 1 2 यानी पैर को आगे क्रॉस बैक क्रॉस बैक क्रॉस बैक, हाथ है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, 4 टाइम। अच्छा आके इसे मारना नहीं है, ये चूड़ी का हो जाएगा, हमें करना है म्यूजिक पे, तो हमें करना है 1 डाउन 2 डाउन 3। देखिए फ्रेंड में इस तरह से हाथों को इस तरह कर, और आपको मेरी चूड़ियों की खनक भी सुनाई दे रही होगी डांस, तो देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे याद कर क्या बॉडी अप एंड डाउन, और फटाफट से हम इनको 1 से लेकर 16 तक की जो काउंटिंग है, 8 अलग और 8 में अलग, हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह का। अच्छा ध्यान रखिएगा, जब मैंने हाथ क्लैप किया है तो इधर दिखा है, जब मैं बैक आई हूँ तो मेरे साइड इधर दिखा है, देखिए आप 1 2 इस तरह से इधर किया है तो इधर, और जब ऊपर किया है अप डाउन अप डाउन। फ्रेंड्स प्लीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम डांस करते हैं तो हमारी कोशिश रहती है, या हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा आई कॉन्टेक्ट हमारे हाथों के साथ रहे, जिससे हमारे स्टेप और सुंदर लगे। अब जैसे हमने यह गाना हमारा खत्म किया इस पोजिशन पे,
हमारा पहली बॉडी है चूड़ी भी जित भी आई है थोड़ा आराम से है। तो हमें उस पर करना है लेफ्ट हैंड को ऐसे रखना है, राइट को ऐसे, और एक दो तीन चार, यानी पैर को चावर मारना है राइट पैर को, एक दो तीन चार, पैर के अंगूठे को मैं मार रही हूँ 4 times, हाथ लेफ्ट यहाँ पे और राइट को से टच कर रही हूँ, देखिएगा 1 2 3 4 इस तरह, राइट, स्माइल करते रहिए। तो फिर अब देखिए हमने पहले शुरू किया चूड़ी के लिए, तो 1 2 3 4 और पैर हुआ 5 6, शोर के लिए करेंगे, शोर बचाया है तो 1 2, देखिए मैंने हाथों गया से 1 2 1 2, अरे एक सीधा है एक उल्टा है, एक सीधा है तो एक उल्टा, 1 2 1 2, और आंखों से 1 2, और पैर है 1 2 1 2, इस तरह पैर किस तरह करेंगे फिर देखिए 1 2, यानी पैर को यहां से हिलाएंगे, ये पैर उठ के दूर चला जाएगा, ये देखिए इस तरह, तो 1 2, तो देखिएगा एक चूड़ी भी चित पे आई है पायल ने शोर मचाया है। अब इसके बाद एक छोटा सा म्यूजिक आएगा, तो हमें जाना है उस म्यूजिक पे 8 counting का, हमें हमारे लेफ्ट पे जाना है, इस तरह राइट हैंड को मोड़ना है, लहंगा पकड़ रखा तो लहंगा पकड़िए, तो कमर पे हाथ रख दीजिए जो आपको अच्छा लगे, और जाना है इधर 1 2 3, देखिए हमें किसे आना है 1 2 3, हमें से रखना है राइट पैर पूरा रखा है, लेफ्ट का सिर्फ 2 रखा है, ये देखिएगा इस तरह मैंने ऐसे पैर रखा है, ऐसे राइट लेग पूरा है लेफ्ट का 2 है, जा रही हूं 1 slip 2 slip 3 slip, और इस पे मैं घूम जाऊंगी 4 ऐसे, हाथ यहां पे 5 6 7 8, 4 बार ठुमका मारूंगी मैं, फिर देखिएगा 1 2 3, ये घूम गई मैं 4 5 6 7 8, यहाँ हो गया मेरा म्यूजिक खत्म, यानी स्टार्टिंग की 8 beat का म्यूजिक, फिर उसके बाद नेक्स्ट 8 minute का म्यूजिक, फिर अगेन 8 8 का 16 म्यूजिक, उसके बाद चूड़ी भी जित पे आई है, और उसके बाद का ये 8 beat का म्यूजिक, उसके बाद हमारा वापस से आता है चूड़ी भी जित पे आई। तो मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड में दोनों हाथों की मुट्ठी को बंद करूंगी, इस तरह चूड़ी खनकाऊंगी और सर्कल लेके आऊंगी 4 में, 1 2 3 4, इस तरह देखिएगा सर्कल में मैंने 4 बार हाथ को मारते हुए 4 बार में घूमी हूं, 1 2 3 4, उसके अगर हाथ गया है नीचे ऐसे पायल पे जाएगा क्रॉस हाथ उल्टा सीधा, ये देखिएगा ओपन क्रॉस ओपन, इस तरह देखिएगा मेरा हाथ को गया है उल्टा सीधा उल्टा सीधा इस तरह से। तो फिर देखिएगा चूड़ी भी चित पे आई है पायल ने शोर मचाया है। और फ्रेंड फिर से आएगा चूड़ी भी चित पे आई है, एक बार तीसरी बार 3rd time फिर आएगा, तो हम ऐसे करेंगे हाथ को लिख लेंगे लेफ्ट टू राइट ऊपर इस तरह से 1 2 3 4, अच्छा पैर अपने जगह भी एक डिपिंग 2 3 4 इस तरह देखिएगा 1 2 3 4, इस तरह मेरे हाथ जाएंगे 4 के लिए ऊपर, और यहां से आ जाएगा पायल ने शोर मचाया है राइट पे। अब मैंने अपने लहंगे को ऊपर किया, लहंगा साड़ी सूट जो मैंने पहना है उसको इस तरह पकड़ा ऊपर किया 1 2 3 4, मैं पैर को 4 बार मारूंगी 1 2 3 4, और लेफ्ट पैर से बाउंस थोड़ा सा जंप लूंगी, देखो 1 2 3 4, आपको मेरी बॉडी जंप लेते हुए दिख रही होगी, देखो 1 2 3 4 इस तरह। तो अब करते हैं हम वापस यहां से यहां शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह। इसके बाद है आ जाओ परदेसी, सावन का महीना है, हमें हमारे हाथ से 3 बार बुलाना है आओ आओ आओ, और हाथ इस तरह से यानी बुलाना है 1 2 3, और पैर डिपिंग में डिप 1 2 3,
फ्रेंड्स डिपिंग किस तरह की जाती है, पैर कैसे चलते हैं बिना डिपिंग के आप डांस नहीं कर सकते हैं, डिपिंग डांस में बहुत जरूरी होता है। तो फ्रेंड इसके लिए मेरा पुराने जो मेरे वीडियोस हैं जहां मैं ये सिखा चुकी हूँ, प्लीज आप वहां जाकर के सीख सकते हैं किस तरह डिपिंग की जाती है। तो फिर देखिएगा, एक दो तीन, अब मैं चार में पूरा घूम जाऊंगी एक बार में, चार यानी मैंने पूरा एक बार में खोल दिया ऐसे और मैं घूम गई चार इस तरह से। फिर देखिएगा चार किया और फिर मेरा हाथ गया, महीना आया है इस तरह। फिर देखिएगा एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, यानी सावन का महीना आया है। इसके फिर ये वर्डिंग आएगी, आ जाओ परदेसी, तो सामने से करूंगी हाथ को, तो अब मैं अपने आप को आगे से बुलाऊंगी। देखिए एक दो तीन चार, मैंने अपने हाथों को ऐसे रखा है, एक दो तीन चार, को ऐसे कुछ पीछे की तरफ बुला रही हूं मैं इस तरह से। तो एक दो तीन चार, और हाथ ऊपर ठुमका लगाऊंगी लेफ्ट लेग आगे, एक दो तीन चार, यानी एक दो तीन चार पांच छ सात आठ इस तरह से। इसके बाद फिर आएगा चूड़ी भी चित पे आइए, राइट बैक लेफ्ट बैक। फिर देखिएगा एक दो तीन चार, पायल ने शोर मचाया है, हाथ को फिर उल्टा मारूंगी, लेकिन इस बार एक ऐसे दो तीन चार। अगर आपने गाना देखा हो ना घुंघरू टूट जावेगा, तो यस ये उसका स्टेप है। देखिए एक रख दीजिए, दो रख दीजिए, तीन रख दीजिए, और ये चार, जल्दी करेंगे एक दो तीन चार। अच्छा फ्रेंड अगर आपका पैर बहुत ऊपर नहीं हो रहा हो तो कोई बात नहीं, आप इस तरह हल्का हल्का भी कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। फिर आएगा लास्ट में, फिर चूड़ी भी जितने आइए तो हम कुछ लेंगे एक दो तीन चार ऐसे, यानी एक दो तीन चार। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया हो। तो फ्रेंड्स एक बार हम जल्दी से सारे स्टेप तो करके देख लेते हैं फटाफट से, स्टार्ट। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, क्लैप बैक क्लैप बैक क्लैप बैक क्लैप बैक, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। चूड़ी भी जिद पे आई है, पायल ने शोर मचाया है, फिर एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, नेक्स्ट टाइम चूड़ी भी जिद पे आई है, पायल ने शोर मचाया है, चूड़ी भी जिद पे आई है, पायल ने शोर मचाया है। अब तो आजा हो परदेसी, सावन का महीना आया है, अब तो आजा हो परदेसी, सावन का महीना आया है, चूड़ी भी चित पे आई है, पायल ने शोर मचाया है, चूड़ी भी चित पे आई है। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की मेरी कोरियोग्राफी पसंद आई होगी। मैं बहुत ही सरल आसान तरीके से आपको एक एक काउंटिंग के साथ ये स्टेप करके दिखाए हैं, आई होप आप समझ गए हो बहुत अच्छे से। और फ्रेंड्स आप प्लीज फटाफट से किसी भी चीज की पार्टी के लिए सुंदर सा ड्रेसअप कीजिए, अपनी ज्वेलरी पहनिए और ये डांस परफॉर्म कीजिए। आपका डांस कैसा रहा और आपको मेरे स्टेप कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग कीप डांसिंग।